नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द पॉप मार्ट में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेटोंडा की जो सीरीज है उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने पहले दिखाया आपको डेल्टा की बनाई, मैंने अल्फा की बनाई, तो मैं अब लेके जो आया हूँ आपके लिए जा रहा हूँ गामा की बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा ये सेक्टर है गामा ही। गामा सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े आपके मॉल्स हैं, जैसे कि आप मेरी अभी वीडियो देखी थी, अभी स्टार्टिंग में मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम दिखाया था, मैंने एक शॉर्ट दिखाया था, जितने भी शॉर्ट्स आए थे आपके ये आपके गेटोंडा के आए थे। किस टाइप से मॉल्स हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी मार्केट है जगत फार्म, गेटोंडा की सबसे बड़ी मार्केट है जगत फार्म, जहाँ हर चीज़ आपकी अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है आपका, रेडी टू मूव है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे सबसे रश होता है यहाँ पर शाम के टाइम, और काफ़ी बड़ी बड़ी शोरूम्स भी हैं यहाँ पे, छोटी शॉप्स भी हैं, बड़ी शॉप्स भी हैं, हर टाइप की यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। फिर अब बात करते हैं हम इस सेक्टर के अंदर पहले कि क्या ऐसा बेटर है, क्या क्या प्लॉट साइजेज हैं यहाँ पे, छोटे से लेके बड़े साइज तक के यहाँ प्लॉट अवेलेबल हैं इसके अंदर। आपको बात करते हैं 60 मीटर, 120 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 275 स्क्वायर मीटर और 350 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट है, यानी कि 60 स्क्वायर मीटर से लेकर 350 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट अवेलेबल हैं आज की डेट के अंदर यहाँ पे। अगर हम बात करें इसकी साइजों की, तो 60 मीटर के अंदर आपका जो साइज होता है, इसका फ्रंट होता है आपका 6 मीटर, इसका डेप्थ होती है 10 मीटर, मतलब 6x10 कहलाता है। 120 मीटर 8x15 कहलाता है आपका। 200 स्क्वायर मीटर आपका 10x20 कहलाता है आपका। 275 स्क्वायर मीटर 11x25 कहलाता है आपका। और 350 स्क्वायर मीटर आपका 14x25 कहलाता है आपका। अब हम बात करते हैं इसकी रिंग रोडें, जो कि चारों साइड से रोडें जा रही हैं, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी होकर जा रही हैं रोड। पहले बात करते हैं हम एक 80 मीटर वाइड रोड, जो कि आपकी परी चौक से आती है, सीधी आपकी सूरजपुर जाती है, परी चौक होती हुई आपकी जगत फार्म होती हुई निकलती है आपकी, वो जो कि गामा सेक्टर बनाता है आपका। उसके बाद आपका एलजी गोल चक्कर आता है, जो कि एलजी कंपनी काफ़ी रनिंग में आज की डेट के अंदर। उसके बाद सीधा आपका सूरजपुर कनेक्ट होती है, वहाँ से आपका गाजियाबाद का रास्ता भी निकल जाता है ना, काफ़ी चीज़। उसके बाद तीन साइड की रोडों की बात करूँ, 60 मीटर की वाइड रोड दी गई है तीनों साइड आपकी। फिर हम बात करते हैं सेक्टर के अंदर एंट्रेंस की, सेक्टर के अंदर चारों साइड से एंट्रेंस दिया हुआ है, चारों साइड से जो एंट्रेंस हो रहा है आपका सेक्टर के अंदर, वो आपका हो रहा है 18 मीटर वाइड रोड के साथ। और हम बात करते हैं प्लॉटों के साथ कि प्लॉटों के सामने कितने स्क्वायर मीटर की रोडें अवेलेबल होंगी, हर प्लॉट के सामने आपके 12 स्क्वायर मीटर की रोडें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेजिडेंस कितना है, तो बता दूँ 90% आपका यहाँ पे रेजिडेंस है, छोटा प्लॉट कोई भी आपका कंपटीशन नहीं मिलेगा, जो कि रो स्ट्रक्चर होता है जो वो नहीं मिलेगा आपका। बड़े प्लॉटों में आपको कंपटीशन मिलेंगे 10%, और बाकी आपका सारा का सारा यहाँ पे 90% रेजिडेंशियल है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ उसके अंदर, आप जो ग्रीन एरिया की बात कर रहा हूँ, पूरे गेटोंडा में सबसे अच्छा सेक्टर है ग्रीन एरिया के मामले में। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े दो बहुत बड़े बड़े पार्क कह लो, या आने वाले टाइम पे फॉरेस्ट पार्क कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत बड़े बड़े दो पार्क दिए गए हैं। एक कम्युनिटी हॉल भी दिया गया इसके अंदर, शादी ब्याह पार्टी वगैरह रिसेप्शन के लिए आपके वो भी दिया हुआ है। फिर आपका जगतसर मार्केट है। फिर हम बात करें जो कि हमारा यमुना एक्सप्रेस वे जैसे बात करें, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है आपका, रजिस्ट्रार ऑफिस आपका गामा वन और गामा टू का जो रोड है उसको क्रॉस करते के साथ ही गामा टू में स्टार्टिंग पड़ता है आपका रजिस्ट्रार ऑफिस। यहीं आपका पास में पड़ता है बीटा वन के अंदर कनाट प्लेस मॉल, वहीं आपका सीएनजी पंप भी है आपका। बीटा टू के अंदर बात करें, बीटा टू के अंदर भी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं आपके, काफ़ी अच्छा अच्छा रेजिडेंस है, तो आपके नियर बाय आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात गामा वन सेक्टर के अंदर ही सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, मॉल्स हैं आपके, काफ़ी बड़ी दुकानें भी हैं आपकी। अब हम बात करते थे पार्कों की, इसके अंदर 6 पार्क दिए गए, जो बहुत बड़े पार्क कह लो या आप ग्रीन बेल्ट कह लो, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे इन्होंने पार्क दिए गए। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि ये इतना अच्छा रेजिडेंस है, काफ़ी अच्छे ग्रीन एरिया भी है, शॉप्स भी हैं, मॉल हैं काफ़ी बड़े, तो कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि जो आने जाने की कनेक्टिविटी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम बताते हैं, पहले यहाँ पे ऑटो अवेलेबल हैं, ओला टैक्सी अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और इजीली कभी भी आप दे सकते हैं, घर से बाहर भी निकलें गली के बाहर आपको ऑटो अवेलेबल मिल जाते हैं यहाँ पे इजीली। अब बात करते हैं परी चौक, परी चौक से इस सेक्टर की दूरी 3 किलोमीटर है आपकी। उसके बाद बात करते हैं मेट्रो स्टेशन की, जस्ट इसके बाद पड़ता है आपका अल्फा वन मेट्रो स्टेशन, जो स्टार्टिंग में पड़ता है परी चौक के साथ में, वो मात्र कहीं 2 किलोमीटर पड़ता है आपका अल्फा वन मेट्रो स्टेशन, जो कि आपका बिल्कुल काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। उसके बाद ईस्टर्न पेरीफेयर, जो ईस्टर्न पेरीफेयर हाईवे है वो आपका पड़ता है इस सेक्टर से 12 किलोमीटर। हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि परी चौक से कनेक्ट होता है यमुना एक्सप्रेस वे, वो पड़ता है आपका 5 किलोमीटर, है ना गाइस। काफ़ी अच्छी रेजिडेंस है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत बेटर चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा सेक्टर है। 60 मीटर से लेके आपके 350 स्क्वायर मीटर तक के यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा रेजिडेंस है। मैं फिर कह रहा हूँ आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा किसी भाई को इस पूरे सेक्टर में अगर कोई भी चीज़ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके नहीं समझ में आई बाई चांस, तो मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या मेरे को
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भाई को कोई प्लॉट है या कोई सेल करना चाह रहा है या कोई परचेज करना चाह रहा है उस देश पे भी मुझे बात कर सकते हैं आप। बहुत बेटर सेक्टर है। और फिर मैं आपको बता दूं गाइस, मेरी इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों को या अपने उस रिलेटिव को मेरी वीडियो भेज दें जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रेडी टू मूव मकान देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कोठियाँ बनी देख रहे हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से मेरी नेक्स्ट जो सीरीज बनती जाएंगी, मेरी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जाएं आप नोटिफिकेशन के जाके, आप बेल आइकन पे जाके आप ऑल पे प्रेस कर लें, जो मैं कभी भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आपका। सो गाइस, मैं मिलता हूं आपको इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट डेवलपमेंट के ऊपर जो कि मैं नेक्स्ट सीरीज कंप्लीट करूंगा। तो गाइस मिलता हूं, धन्यवाद दोस्तों।